साथियों, 25 जनवरी और आज हम 25 जनवरी को ही बात कर रहे हैं। 25 जनवरी 1950 आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक बात और गौर करने वाली है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना देश के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात पर बहुत ध्यान दिया था। वो जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र तभी संभव है जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो। 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था, प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था, सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना, इस पर जरूर सोचना चाहिए।
भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा हां 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते, मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है, ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था, अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा, एक सी विजिल नाम का ऐप है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है, इससे मतदाता में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आएंगे।